देखो टाइम बिल्कुल नहीं बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम ये काम कैसे करोगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट तुम्हारे भाई का सपना था बेटा। हमारा सब कुछ दांव पे लगा है, अगर फाइनेंसेस बैक आउट कर गए ना, तुम्हारा सब कुछ नीलाम हो जाएगा। अरे आपने क्या बेटी का ससुराल लगा रखा है, मुझे खुद को नहीं पता मैं कब तक यहाँ पे रहूंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा, अब यही तेरा नया घर है। आपकी माता रानी का स्वागत बहू करेगी ना तो सब कुछ शुभ शुभ होगा। बोलो जय माता दी। पहले वीपी और अब घर में पूजा रखी गई है उसके लिए। मेरे सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं, सारे वार खाली जा रहे हैं, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरे बेटे को तो घर में कोई पूछेगा भी नहीं। अरे ये हो क्या रहा है, क्या जादू कर दिया उस बंगालन ने। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जादू तो किया उसने घर वालों पर। हाँ? और घर में उसका मान सम्मान भी बढ़ता जा रहा है, और देखो ना भाई साहब भी इतना भरोसा करते हैं उस पर। इसी भरोसे को तोड़ना होगा हमें, समझी? क्या? इसी विश्वास को अंधविश्वास से तोड़ना होगा। अगर एक बार विश्वास टूट गया तो ही समझ लेना कि हमारा काम आसान होगा। साफ साफ कहो ना, आज पूजा है, पूजा नई बहू के शुभ मंगल के लिए, और अगर नई बहू के हाथों से अमंगल हो जाए तो पूजा और श्रद्धा दोनों भ्रष्ट। जैसे कि महाभोग प्रसाद में कुछ हो जाए तो। करेक्ट। वाह पतिदेव, क्या बात है, आजकल आपका दिमाग भी निराली की तरह तेज चलने लगा है। बड़ा ही मजा आएगा जब उनकी होनहार बहू एक प्रसाद भी ठीक से नहीं बना पाएगी। लेकिन प्लान करना होगा कि तुम इस कार्य को करोगी कैसे। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, निराली के पैतरे निराले हैं। पता है आज क्या है? अब क्या हो गया? आज पारो भोग बना रही है। ओह गॉड, अब ये मत कहना कि तुम्हें अपनी फ्रेंड की इस बात पर भी टेंशन है, प्लीज। अरे नहीं बाबा, इनफैक्ट उसका मूड खराब है, और खराब मूड में वो ज्यादा अच्छा बनाती है खाना, ज्यादा भी और अच्छा भी। मुझे तो डर है कहीं पूरे एरिया को खाने पे ना बुलाना पड़े। क्या हुआ मेरे भोले भाले फट्टू, मुंह क्यों उतरा हुआ है? यार मुझे फट्टू मत बुलाना तुम। क्या हुआ, बुरा लगा? मिस्टर फट्टू, सो क्यूट। जस्ट शट अप ओके, तुम कितनी बुरी हो यार। जब से तुमने मुझे फट्टू बुलाया ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। अच्छा ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या, गर्लफ्रेंड फट्टू बुलाएगी तो रातों की नींद उड़ेगी ना यार। तुम हंस रही हो, हंसो हंसो, खूब हंसो। बस अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मम्मा को हमारे बारे में सब बताऊंगा। सब बताओगे? तुम्हें मजाक लग रहा है? तब हंसना जब मम्मा को सब बताऊंगा। पक्का आज ही बताओगे? देखो मुझे चैलेंज मत करना वरना। वरना वरना क्या, चैलेंज तो मैंने कर दिया मिस्टर फट्टू। ठीक है, आज का दिन भी शुभ है। आई एम गोइंग अभी इसी वक्त। अच्छा तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम नहीं बता पाओगे, मैं जानती हूँ ना अच्छे से तुम्हें मेरे भोंदूराम।
ओ हेलो, कब से पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हो? वो दादी नानी ने कहा कि क्या कहा कि किचन में जाके तुम्हारा हाथ बटाऊं। ओ नहीं, कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अच्छा, वैसे तो तुम कहती हो कि खाना खाते और पकाते वक्त गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज तो पूजा का भोग बन रहा है और तुम मुझे भगा रही हो। मतलब तुम अकेले अकेले आशीर्वाद लेना चाहती हो। मुझे भी चाहिए यार, वैसे भी मैं वहां जाऊंगा तो वो मुझे वापस भेज देंगे। प्लीज, मैं कुछ भी कर लूंगा। अच्छा ठीक है, वो फल दिख रहे हैं, जाके प्रसाद के लिए काट दो। बस ये तो इतनी सिंपल जॉब है। एप्पल काट दिए? यस मैम, ये एप्पल एकदम परफेक्टली कट चुके हैं। सही तो है? आप सारा पेपर रेडी रखिएगा, ट्रांसफर हो गया है, बाकी की फॉर्मेलिटीज कल पूरी कर लेंगे, हम अभी थोड़ा जल्दी में हैं। काकी, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं जिम्मी। कुछ तो है, आप मुझसे छुपाओ मत। आप अचानक जाने को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तुम लोग बिना आजकल के बच्चे समझते ही नहीं हो, अब बेटी के घर में कितना दिन रहेंगे? हाँ, किंतु मुझे लग रहा कुछ और भी बात है। देख, हमारा जाना ही ठीक होगा जिम्मी, और तू पारो को भी समझा देना, वरना बेकार में उसके लिए चीजें मुश्किल होगी। क्या मुश्किल? तू तो हर बात पकड़ रही है चिमी। काकी, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। कुछ हुआ है ना, मैं कसम खाती हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, पारो को भी नहीं। तो कसम खा चिमी, किसी को नहीं बताएगी। मैंने पारो के देवता को भी नहीं बताया। उस दिन जब मैं पारो के सास के लिए मिठाई का डब्बा लेके गई, उसके माँ बाप को यहाँ पर अपने सिर पे बिठाने का क्या मतलब है? अरे, ऐसे ऐशो आराम की आदत लग जाएगी उनको। शालिनी जी की बातों से बहुत अपमानित महसूस की। वो नहीं चाहते हैं कि हम उनके यहाँ रहें। उन्होंने आपको देखा? मैं उसी वक्त वहां से निकल गई थी, मैंने इनको भी नहीं बताया, इनके दिल को ठेस पहुंच दी। देख चिमी, तूने मुझसे वादा किया है तो पारो से नहीं बताएगी। पारो का दिमाग गर्म है, हम चाहते हैं वो अपना शादी को निभाए, उसे पता चला तो न जाने क्या कदम उठा लेगी। चिंता न करे माँ, सब ठीक हो जाएगा। Oh,
सभी को नीचे बुला रहे हैं, पंडित जी आ गए। हाँ, हमारे इस प्रसाद को खिलाकर खूब कमाना माता रानी का आशीर्वाद। बहु रानी, मामा, छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और डरा दिया मुझे, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? मैं आपको गौर से देख रहा हूँ। क्यों, मैंने क्या किया है? एक्चुअली मैं आपका मूड चेक कर रहा था, कुछ बताना था। पागल है क्या तू? ये कोई जगह बात करने की? और टाइम देख जरा, पूजा का टाइम हो गया है। बट मामा, बात तो सुनो। चुपचाप जा और पूजा के लिए तैयार हो जा। अच्छा ठीक है। फिर मूड खराब, अभी तो मुंह बंद ही रख नमन, नहीं तो बैकफायर हो जाएगा। अच्छा हुआ ये भी चला गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पर अब तो ग्रैंड फिनाले शो का मजा लेने का टाइम है। छोटू, छोटू, सो क्यूट। अब भाभी, ये पूजा का सामान कहाँ रखवा दूँ? पारो को दे दो। ओह सो सॉरी, मैं भूल गई थी, हर बार आप ही सब कुछ संभालती है ना, तो मुझे याद नहीं रहा। जय माता जी। जय माता दी पंडित जी। जय माता जी। इस बार तो आपके घर परिवार में माता रानी की दो गुनी मेहर होने वाली है। आपने उन्हें दोबारा जो बुला लिया है, और वो भी इतनी जल्दी। ये तो माता रानी की मेहर है पंडित जी, जो खुद हमें आशीर्वाद देने आई है। जय माता दी। जय माता दी। एक बात और पंडित जी, आज की चौकी ना मेरे पोते और नई नवेली बहू के नाम है। सब कुछ अपने हाथ से बनाया उसने। अति उत्तम, अति उत्तम। तो चलिए फिर माता रानी की आरती शुरू करते हैं। जी आई। बस आपने इस बात का ध्यान रखिए कि वो सारी रस्में दोनों के हाथ से ही हो जानी चाहिए। समझ गया जी। चले फिर। शालिनी रुको, आज की ज्योत आकाश और पारू बहू को ही जलाने दे। आज की ज्योत पारो ही जलाएगी। पर बहू है कहां? नानी, आपका प्लान तो काम कर रहा है। बहू, जोत जला दे बेटा। Thank you.
देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा जय दुर्गा जय जय दुर्गा। हे माता रानी, मेरा परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे। सबको सुख शांति और समृद्धि दो माँ, और इस घर को कलेश से दूर रखो। हे माँ, मेरी बेटी को सुखी रखना और कृपा करना कि तेजपुर जनरल स्टोर कभी बंद ना हो। मेरी बेटी की नई जिंदगी की शुरुआत है माँ, उसका साथ देना माँ, उसके मन को धीरज देना, अपना परिवार वो संभाल सके। माता रानी, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से आप ही निकाल सकती हैं। अब मेरी सारी उम्मीद मेरे बेटे से है। आशीर्वाद दीजिए वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतर सके और मेरा तेजपुर प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। माँ, इस घर में आपका स्वागत हमेशा मैंने किया है। आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा और ये घर हमेशा मेरी मुट्ठी में रहे। माता रानी, अपना जोश मुझे भी दे दो ताकि मैं अपनी मम्मा को चिमी के बारे में बता सकूं। माता रानी, मेरे पास सब कुछ है, अब आपसे क्या मांगूं? थैंक्स फॉर द कंपनी, ये ट्रिप मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? इस बंगालन को घर से निकालो माता रानी, मेरे बेटे का रास्ता साफ करने में मेरी मदद करो। हे माँ, इस वक्त मेरे देवता को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, मेरी हिम्मत बनाए रखना। लेकिन सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बेटी का फर्ज निभाऊं या बहू का या फिर बीवी का, क्या करूं, किसे चुनूं? यहाँ इतने अनजान चेहरे हैं, कौन देगा मेरा साथ माँ? मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती, बस मुझे सही रास्ता दिखाना। नहीं माँ, बिजनेस के नाम पर अब रिश्तों का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। मेरा हाथ पकड़कर पारो इस घर में आई है, मैं इस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता और ना ही डैड को हताश कर सकता हूँ। माँ आशीर्वाद दो, पारो और डैड दोनों को मैं निराश ना करूं, अच्छे पति के साथ साथ अच्छा बेटा बन पाऊं। एक मिनट रुक जाओ पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे जो हो रहा है वो होने दे, घर के बुजुर्ग अभी जिंदा हैं और फिर पंडित जी भी तो है ना यहाँ करवाने के लिए। मगर माँ, बहस मत कर। बहू रानी, अपने शुभ हस्तों से माता रानी को महाभोग अर्पण कीजिए।